साथियों, आज जब मैं बेलगावी आया हूं तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस परिवार के आगे एस निजलिंगप्पा और वीरेंद्र पाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था, हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस का एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इसी धरती के संतान 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन वे उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है, इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, नारे बोल रहे हैं मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोलने में बिजी हो गए हैं, वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा।